अगस्त 6 और 7 रे इंडोनेशिया जाकर्ता रे हेबाकु तोबा एशिया रग्बी सेवेन्स ट्रॉफी 2022 पई भारतीय महिला एवं पुरुष दल घोषणा होई 40 दिन धरी भुवनेश्वर 85 जन खिलाड़ी को नहीं एक कैंप आयोजित करा जे 14 जनिया पुरुष एवं महिला दल घोषणा करी रग्बी इंडिया ए कार्यक्रम रे क्रीडा सचिव आर विनील कृष्णा पूर्वतन भारतीय रग्बी खिलाड़ी तथा रग्बी इंडिया सभापति राहुल बोस प्रमुख उपस्थित थिले। घोषणा होइतबा पुरुष दल रे जने ओडिया एवं महिला दल रे 3 जन ओडिया खिलाड़ी स्थान पाइछन्ते। एशिया रग्बी सेवेन्स रे पुरुष विभाग रे 12टी एवं महिला विभाग रे 8टी देश अंश ग्रहण करुछन्ते। वर्तमान रैंकिंग रे भारतीय पुरुष दल 13 एवं महिला दल 10 नंबर स्थान रे रहिछन्ते। आगो को उभय दल भल प्रदर्शन करबा नै समस्त आशावादी अछन्ते। गला 40 दिन रो तांकर एटी कोचिंग कैंप हेतिला साउथ अफ्रिकन कोचेस थिले और तांकर एंटायर सपोर्ट स्टाफ एटी थिला। ओडिशा तरफ रो हमें पार्टनरशिप रखुछु रग्बी इंडिया संगे। आमर पिला माने भी अछन्ते इंडिया टीम रे और हमें भावुछु फ्यूचर रे भी ओडिशा रो पिला माने रग्बी टीम्स रे भलो खेली पारिबे। यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत सही है और बहुत अच्छे साधन है। तो जनरली ये जो एक हमारे पास एक पार्टनरशिप बना है ओडिशा स्टेट के साथ, जिनके बदौलत, जिनके माध्यम से हम अपने प्लेयर्स को इतिहास में पहली बार पैसे दे रहे हैं टू प्ले फॉर इंडिया, सेमी प्रोफेशनल बना रहे हैं। होपफुली टीम इंडिया सब भल करे, तो एथर आम चाहूँ कि प्रिपेरेसन एथर बहुत भल रही आग अपेक्षा, तो आम चाहूँ कि एथर जमी मैंने इंडिया रो इंटरनेशनल लेवल गोल्ड पे हमें ट्राई कर बहुत ही भल थी सब किसी फैसिलिटी देन आम जो स्पॉन्सरशिप अच्छे ओडिशा गवर्नमेंट बहुत ही भल सपोर्ट करम को, तो आम चाहूँ कि आहरी भल परफॉर्मेंस बहुत भल बढ़ेबू। देन आम जो अच्छे ओडिशा जो 3 जन अच्छू, तो आम चाहेबू कि यहाँ बहुत मैंने भल करवाई।